वेलकम टू गज़ल गाइस। गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा सफ़र बाइक का सफ़र और हम जा रहे हैं ठोकर न्यास बेग। और मेरे साथ है दूल्हा मियाँ, पुराना मेरा साथी ब्लॉगर, हाफ ब्लॉगर। और मज़े की बात ये है कि मैंने दुनिया का पहला दूल्हा देखा ये कभी बात नहीं, जो कि अपना सामान खुद लोड करवाने जा रहा है जेस का। इसको मसले इसको पड़े हुए पूरी जिंदगी के मसले सारे इसके साथ चल रहे हैं। ये देखें, अच्छा पार्टनर कहते हैं, अच्छा पार्टनर। ये ठोकर लाया हुआ हम लोग गुजर रहे हैं और ट्रक वाला नज़र नहीं आ रहा, हम ट्रक वालों को ढूंढ रहे हैं। इसकी 16 तारीख है ना, भाई का ट्रक इसे लोड होना है। ये कहां से ट्रक चला है और कहां पहुंचा है? और गाइस साथ साथ ये गाड़ी देखें, अभी तवज्जो मैं इस गाड़ी की तरफ करना चाहता हूं। जीएमसी हमर लाहौर में, जीएमसी हमर। चेक करें, ये देखें मेरा इसके अंदर पहुंच गया, बचत हो गई। अब ये देखें गाड़ी देखें कितना, इसका वो डोर, टू डोर, थ्री डोर, फोर डोर, और ब्यूटीफुल हम। ये लोग नॉर्मली उसके लिए करते हैं, शादी ब्याह के लिए यूज करते हैं। And this is all big Toyota ki banayi hui hai, yes, customized ki hui hogi, because I never seen Toyota ko guys maine aise dekha nahi kabhi bhi, but ye customized lagta hai mujhe. Ye hum aap sign de sakte ho, chale apni Hummer ki taraf chalte hain. This is choti si Hummer. ठोकर के ऊपर जब आपके सामने फ्लाई ओवर वहां पे सामने आप नजर आ रहा होता है, वहां पे ये शोरूम आपको मिलेगा और इस शोरूम की खास बात ये है कि ये इन्होंने कस्टमाइज गाड़ियां भी रखी हुई है। जो टोयोटा वाली गाड़ी है वो इन्होंने कस्टमाइज बनाई हुई है, लेकिन इसमें हमर और लिमो ये ओरिजिनल है। और ये आपकी शादी ब्याह के किसी भी फंक्शन में आपके काम आती है, इट्स लुक्स गुड, आप इनसे रेंट कर सकते हो यहाँ पे। गाइस मेरे सामने बिल्कुल ऑरेंज ट्रेन का फ्लाई ओवर, यहाँ से नहीं है ना, आगे से ना, ये देखिए ऑरेंज ट्रेन, ये आपका ठोकर का स्टेशन लगेगा ऑरेंज का।
अगर आप यहाँ पे राइट जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे अली टाउन आएगा जो पहला स्टेशन है ऑरेंज का, और उसके बाद ये दूसरा स्टेशन छोकर है, और उसके बाद सो ऑन उतर जाता है। भाई इस वक्त मैं ट्रक के अंदर, शुक्रिया मेरे भाई। ये भाई अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे ट्रक ड्राइवर है। कहाँ से आ रहे हो मेरे भाई? रहीम यार खान से आ रहे हो और जाना मुल्तान, यहाँ से लेके सामान मुल्तान जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, वाह जी वाह, ये है ट्रक का अंदर का नजारा गाइस। इतना तो मेरे ख्याल आप लोगों का दूल्हन का बेड नहीं सब रहा था, इतना ये ट्रक है। ब्यूटीफुल, अब बस उसके पीछे रहना, वो दूल्हे में आके जा रहे हैं वहां, मैंने उनके साथ गद्दारी करके पीछे बैठ गया। बड़ा प्यारा ट्रक है यार, कितना लंबा सफर करते हो इस पे? कोयटा कराची इस्लामाबाद से, तो कितने दिन गुजर जाते हैं एक सफर में? लंबे दो दिन। ओए 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 ओए, ये डोमेस्टिक जो गुड्स को इधर उधर सप्लाई करने के लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान, ठीक है, ये लोग अपने ट्रक को यूज करते हैं, दो दो दिन सफर में गुजारते हैं अपने घर वालों के बगैर, अपने अगर शादीशुदा तो बीवी बच्चों के बगैर। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कितना ऊंचा लग रहा हूँ मैं, इसमें लग रहा हूँ भाई। आपका नाम क्या है? हाँ आपका फैसल। तो फैसल कहाँ के आप वैसे? सादकाबाद के। दोनों तो सादकाबाद से, यानी आप कितना पढ़े, किस कितना पढ़े हुए हो? कुछ पढ़े हुए हो भी कि नहीं पढ़े हुए हो? चार पढ़े हुए हो आप, और आप सात पढ़े हुए हो, तो ये गुजारा होता सही इस पे? महंगाई तो हो गई है, तो इस पे सही कोई कमा लेते हो? तो गुजारा कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। ट्रक अपना ही वाला? भाई का ना, वही ना। तो आप भी भाई के साथ काम करते हो? दोनों दोनों भाई मिलकर काम करते हो? बेहतर है, बेहतर है मेरे भाई। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे यार, ठीक है। अगर रात को सोना हो इन्होंने तो ये जगह से इसको खोल लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे, और यहाँ भी सो जाते हैं। इसका कैबन है, अच्छा साइज का कैबन है। एक बंदा तो बहुत अच्छा सो सकता है, मेरा ख्याल है दो बंदों का मुश्किल हो जाता है। हाँ एक गाड़ी चलाता है, एक सोता है, फिर ऐसे रोटेट करते रहते हैं ये अपनी शेप्स को। तो हम लोग जा रहे हैं बॉब का टाउन, और लेट्स गो गाइस। ट्रक से यूएमटी का नज़ारा, इससे हम लोग ट्रैफिक फंसे हुए, और ज़ाहिर एक बहुत बड़ा ये व्हीकल है, ये बहुत बड़ी व्हीकल है, इस पर बहुत आसान है फंसना इसका। यहाँ से हमने भूल चुके थे रास्ता, बेसिकली हम बातें करते करते आगे निकल आए, हमें आगे से वापस यू टर्न लेना है और बैक साइड पे जाना है। तो गाइस हम बैठे हुए, मेरे साथ दोनों भाई मेरे साथ का बाद वाले, सिंध के ताल्लुक है इनका, इनका भी ताल्लुक सिंध से है, ये बैठे हुए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ने बताया कि अलन फ़कीर जो कि बहुत फेमस लोक सिंगर है सिंध के, वो उनका ताल्लुक जो है ना वो भी सिंध से है, इनके घर के पास से है, और इनके घर के पास बैठे हुए भी हैं, तो उनसे कुछ सुनते हैं। जी आप बताएं, आप बताएंगे या आप बताओगे? आप बताओगे भैया, क्या अलन फ़कीर के बारे में बताओ, कैसे बंदे है, कैसे है ये भाई? अलन फ़कीर बहुत अच्छा आदमी है, हमारे जो है ना इलाके में बैठा हुआ है, और वो बचपन में जो था ना, जब जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसने किसी ने उसको बोला कि आपकी शक्ल जो है ना असल अलन फ़कीर से मिली, ये जो है ना असल नहीं है। अरे असल नहीं है? नहीं है। दरियाओं में जितना भी जाऊँ तुझको पास में उतना ही पाऊँ, अल्लाह हू अल्लाह, वो अलन फकीर असल है। ये जो अलन फकीर इनके पास बैठा हुआ था वो शक्ल मिलती थी, सॉन्ग्स गाता था, लेकिन मशहूर है अपने इलाके में, मशहूर है। नहीं नहीं अमेरिका तक जाता है, अमेरिका तक जाता है, ये अमेरिका जाता है, इंडिया जाता है बहुत। हालांकि ये भी अलन फकीर है, अब वो अच्छा। तो फोत हो गया ना, वो तो फोत हो गया ना, वो उसकी जगह पे ये है, मशहूर उतना ही है। अच्छा ये मशहूर है, लोग बुलाते हैं इसको। अच्छा अच्छा, ये भी लोक सिंगर है और वही नाम रखा हुआ इसका? बिल्कुल ठीक ठीक, क्योंकि शक्लें उसकी देता है, ये ड्रेस उसकी तरह पहनता है। अच्छा 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 अच्छा, तो कैसा बंदा, कैसा ये बंदा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसका इलाके में नाम है, तो सुनते गाने खाने सुनते हो? कोई उसकी कहावत सुना दो, या कोई कैसे सिंध का जो है ना, कोई जो कहते हैं कहावत कहते हैं ना, कोई बात होती है या कोई शेर होता है या कुछ भी, कोई सिंधी में सुना सकते हो?
उसका उस किसी का भी सुना दो चलो। हिंदी में शेर तो नहीं हमें आती, कोई भी कुछ भी आता हो, कहावत आती हो, कोई बात हो, कोई मशहूर बात हो, ऐसे नहीं ना? नहीं आता तो आता है वीडियो देख कर आ जाएगा। वीडियो वीडियो देख के आ जाएगा गाइस। तो ये थोड़ा सा शाय है, शर्मा रहे हैं, बट ये बता रहे हैं कि इनके इलाके के जो अलन फकीर हैं, ही इज़ एज फेमस एज द ओल्ड अलन फकीर, और बहुत यानी कि बहुत बड़ा नाम था अलन फकीर का, मैं तो ज़्यादा चलूँ। तो ये यहाँ पर इनका ये ट्रक है जिसमें मैं बैठ के आया था, ठीक है। और गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, अभी इनको लोड करना और सब कुछ करना है, इन लोगों ने करना है, और इसके बाद फिर मैं घर चला जाऊंगा। शाम हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बताएं कि जो वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ना, क्या काम शाम करते हैं वहाँ पे लड़काना में, इधर उधर काम शाम उन्होंने किए हुए काफ़ी? आपके यानी कि स्कूल हैं वहाँ पे? स्कूल हैं, सरकारी इदारे, सरकारी इदारे हैं, हॉस्पिटल है, और बाकी रोड शोड और सब कुछ टाइट है, सही है, तो सही काम करते हैं वो आपके लिए? माशाल्लाह ऐसे हैं, जो बाइक जाए ना हमारे इलाके में, अच्छा जो जाता है वापस नहीं आता। हमारे इलाके में रोड नहीं है, लेकिन चोर डकैत बहुत हैं, चोर डकैत बहुत हैं, तो उसको पुलिस वाले रोकते नहीं है? पुलिस रोकती है, लेकिन पुलिस हर जगह तो नहीं होती ना, रात को अड्डे मार जाते हैं, गाड़ियों की लूट मार करते हैं। तो तुम्हारे साथ कभी हुआ ऐसा? हमारे दिन को कोई कभी कभी निकलता है, रात को कोई नहीं निकलता। छह ये जो गाड़ी गाड़ी में हम घी नहीं लोड कर सकते, सिंध में लोड करते हैं, पीछे चढ़ाते हैं, चलती गाड़ी में भी उठा लेते हैं। ओ ये है कि ये प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस, उसके अंदर का हाल बता रहे हैं, क्योंकि ये अंदर रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जी अगर आप, ये तो भाई कह रहे हैं कि जी बहुत ठीक है, ये भाई कह रहे हैं कि अगर आप सड़कों पे जाओगे तो वापस आना मुश्किल होएगा, क्योंकि चोर डकैत और ये वो बहुत लूट मार है। तो वहाँ की हुकूमत को दिन को भी कोई नहीं जाता वहाँ पर, तो वहाँ की हुकूमत को खातर खा इस पर जो है ना काम करना चाहिए स्पेशली। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, जिसमें मेरा एक यादगार सफ़र है इस ट्रक का, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इन दो नौजवानों के साथ। माशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम मैं हालांकि सिंधी बंदों से मिल रहा हूँ, अच्छा लगा मिलके, और इन्होंने अपने हालात बताए, अपने इलाके के हालात बताए। उम्मीद करता हूँ कि उनके हालात बेहतर होंगे, सिंध बहुत तरक्की करेगा अदर प्रोविंसेस की तरह, और स्पेशली मैसेज फॉर बिलावल भुट्टो एंड जरदारी साहब के लिए कि प्लीज़ खुदारा उनके लिए थोड़ा खातर ख्वाह काम करे कीजिए उस प्रोविंस के लिए भी। और नारे भुट्टो, भुट्टो, बाय बाय।